आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़े काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनेंगे पहले से ज्यादा सेफ, सरकार ने सेट कर दिया है ये दो नए सेफ्टी स्टैंडर्ड। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की सोच रहे हैं तो ये जानकारी आपको खुश कर सकती है। दरअसल सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेफ्टी को और बढ़ाने का फैसला किया है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेफ्टी में दो नए स्टैंडर्ड्स को जो है वो जोड़ा जाएगा। वहीं जो भारतीय मानक ब्यूरो जो है BIS, उसने दो नए स्टैंडर्ड पेश किया है। इन दोनों स्टैंडर्ड्स में पैसेंजर और व्हीकल्स की सेफ्टी पर ज्यादा फोकस यहाँ पर किया गया है। सरकार नॉर्मल व्हीकल्स की तुलना में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ अपना ज्यादा फोकस यहाँ पर कर रही है। पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड भी बढ़ी है। अब सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेफ्टी के लिए दो नए स्टैंडर्ड पेश किए हैं। तो ये दो नए स्टैंडर्ड्स में जो है IS 18590-2024 और IS 18706-2024 का मकसद जो है LMN सीरीज में जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेफ्टी को बढ़ाना होगा। और ये स्टैंडर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जरूरी कंपोनेंट, पावर ट्रेन आदि पर फोकस करते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि सेफ्टी जरूरतों को पूरा करता है। इसके अलावा इन स्टैंडर्ड्स में बैटरी की सेफ्टी और परफॉर्मेंस में भी जोर दिया जाएगा। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, देश भर में ब्रांचों का नेटवर्क बढ़ाएगा SBI, चालू वित्त वर्ष में खोलेगी 400 नई ब्रांच। नेटवर्क विस्तार योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक जो है SBI चालू वित्त वर्ष 2024-25 में देश भर में 400 नई शाखाएं खोलने की तैयारी कर रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने पिछले वित्त वर्ष में जो है 137 शाखाएं खोली है, इनमें से 59 नई ग्रामीण शाखाएं हैं। SBI के चेयरमैन ने कहा है कि किसी ने मुझसे पूछा कि 79% डिजिटल और 98% लेन देन शाखा के बाहर हो रहे हैं, तो क्या आपको शाखा की जरूरत है? तो उन्होंने कहा है कि अब भी जो है जरूरी है। उन्होंने कहा है कि अधिकांश सलाहकार और संपदा सेवाएं केवल शाखाओं के जरिए ही यहाँ पर दी जा सकती है। उन्होंने कहा है कि हम उन स्थानों की पहचान कर रहे हैं जहाँ पर संभावनाएं मौजूद है। उन्होंने कहा कि हमारी चालू वित्त वर्ष में 400 नई शाखाएं खोलने की यहाँ पर योजना है। तो देश भर में SBI की 400 नई शाखाएं जो है खुलने वाली है। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर है राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी सौगात। देखिए अब राशन की होगी होम डिलीवरी। राशन कार्ड धारकों को बड़ी सौगात मिली है। दरअसल अब राशन की जो है अब होम डिलीवरी होगी। दरअसल अब BPL परिवार वालों के लिए खुशखबरी है। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में राशन कार्ड धारकों को जो है अब राशन की होम डिलीवरी यहाँ पर मिलेगी। इस योजना के तहत राजस्थान में 70,000 परिवारों को लाभ मिलेगा। सरकार इस योजना के तहत 34 करोड़ रुपए खर्च करेगी। आपको बता दें कि राजस्थान में जो 1 जुलाई से लोगों को जो है घर बैठे गेहूं मिलेगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में जो है बदला सरकार ने 3 भागों में जो है 70,000 परिवारों को घर बैठे ये गेहूं यहां पर देगी। वह इसके साथ ही आपको बता दें कि इस योजना के तहत लगभग 2,80,000 लोगों को लाभ मिलने वाला है। इसमें लोगों को घर बैठे 10 किलो गेहूं का बैग डिलीवर जो है वो किया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक राजस्थान में बदला सरकार ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के माध्यम से चले गए एक योजना पर रोक यहाँ पर लगा दिया गया है। BPL परिवारों को बीमा लाभ देने वाली पन्नाधाय जीवन अमृत योजना को बंद कर दिया गया। इस योजना के तहत लोगों को आए साल BPL परिवार के मुखिया के सदस्यों को जो है 100 रुपए का मूलभूत जो है वो दिया जाता था। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर। देखिए मुख्यमंत्री आवास योजना में सरकार ने किया है बड़ा बदलाव। इन लोगों को भी मिलेगा लाभ। फॉर्म भरने की कामयाबी हुई है शुरू। शासन की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ जो है विधवा और दिव्यांगों को भी अब मिलेगा। इसके लिए जो है सभी पंजीकरण फॉर्म भरने की कामयाबी शुरू हो गई है। इन फॉर्म पर ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी और सेक्टर प्रभारी के हस्ताक्षर होना जरूरी है। वही पंजीकरण के दौरान आवेदक से शपथ पत्र भराया जाएगा। इसमें इस बात का जिक्र होगा कि मैंने आवास योजना का पहले से लाभ नहीं लिया है या पहले से लाभ नहीं लिया है। अगर लाभ लेने के बाद उसे छिपाया गया तो जाँच के दौरान सच्चाई मिलने पर लाभार्थी से रिकवरी होगी। वही मुख्यमंत्री आवास योजना में शासन ने बड़ा बदलाव किया है। इसमें योजना में विधवाओं को भी शामिल कर दिया गया है। इसमें पूर्व दिव्यांग और अग्निपीड़ित और इसके अलावा आश्रय बहन आदि को जो है इस योजना में लाभ मिलता रहा है। 18 से 40 साल की विधवा को भी जो इसमें लाभ मिल सकेगा। इसके लिए उन्हें विकासखंड अधिकारी के पास आवेदन करना होगा। तो उत्तर प्रदेश में जो है ये फिलहाल राहत वाली खबर निकल के सामने आ रही है। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो बिहार में भरभरा कर गिरे ब्रिज, तो अब एक्शन में आई है नीतीश कुमार सरकार। पुल को लेकर जारी किया दिया है तगड़ा फरमान। बिहार में 7 दिन के अंदर 3 पुल के जो गिर गए वह धोखाधड़ी। यहाँ पर मतलब बिहार के अंदर जो है 3 पुल गिर गए वह धर धर के गिरे। पुल को लेकर जो नीतीश कुमार सरकार की नींद उड़ा दी है। लगातार पुल का ध्वस्त हो जाने को लेकर जो है राज्य सरकार ने एहतियाती कदम उठाने का फैसला लिया है। दरअसल
इन दिनों जो है बिहार में ग्रामीण इलाकों में कई पुल जो है वो गिर जाने के बाद जो है सचेत हुई सरकार ने ब्रिज की कमजोरी को जानने और नए पुल मजबूत बने इसके लिए भी जो है ग्रामीण पुल के स्ट्रक्चर्स ऑडिट करने जा रही है। इसका मकसद यह है कि सरकारी राशि का जो सदुपयोग जो है वो जनमाल की सुरक्षा भी यहाँ पर की जा सके, साथ ही आवागमन को लेकर किस तरह कोई परेशानी होती है तो इस बात को जानने की भी कोशिश इसमें होगी। तो वही ग्रामीण कार्य विभाग इस महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर की ऑडिट की जिम्मेदारी जो उसने ली है इसके लिए स्थानीय स्तर पर विभागीय अभियंता और अधिकारियों की तैनाती जो है होगी। विभागीय ऐप के माध्यम से हर दिन ऑडिट कर जुटाई गई जानकारी मुख्यालय जो है भेजी जाएगी। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर रेल यात्रियों के लिए देखिए इन सुविधाओं को क्या क्या है। GST फ्री रेल यात्रियों के लिए आई है राहत वाली खबर। GST काउंसिल ने जो है भारतीय रेलवे यहाँ पर भारतीय रेलवे द्वारा आम आदमी को दी जाने वाली खास सुविधाओं के साथ साथ रेलवे के लेन देन के लिए भी जो है छूट का प्रस्ताव रखा है। दरअसल प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री और रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम और इसके अलावा दूसरी सुविधाएं और बैटरी से चलने वाली कार जैसी सुविधाओं पर GST की छूट जो है वो दी गई है। तो GST परिषद के हाल में हुई बैठक में अनुपालन बोझ को कम करने और करदाताओं को राहत देने के उद्देश्य से कई जरूरी निर्णय लिए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आज के GST परिषद की बैठक में व्यापार और अनुपालन को आसान मामलों में करदाताओं को राहत देने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। तो ये GST बैठक को लेकर जो है फिलहाल बड़ी खबर सामने आ रही है। इसमें रेल यात्रियों को जो है अब टिकट मतलब प्लेटफॉर्म टिकट पर GST से छूट जो है वो दी गई है और कई बड़े फैसले जो इसमें लिए गए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर से दबा दें ताकि रोजाना जो है आपको ऐसी ही खबरें मिलती रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।